सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। क्रोध को पाले रखना ऐसा है जैसे किसी गर्म कोयले को किसी पर फेंकने के नियत से पकड़े रहना। बीते कल से सीखिए, आज के लिए जिए और आने वाले कल के लिए उम्मीद रखिए। अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए, दूसरों के मुट्ठी में नहीं। आज का पंचांग 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 4:50 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 9:36 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:27 से 2:01 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। सहरा से 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार, हाल ही में हुई हानि या भाग्य में बदलाव आपकी चिंता या अवसाद का कारण बन सकता है। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। योग ध्यान चिकित्सा या आध्यात्मिक उपाय इस समय आपका काम बनवा सकते हैं। नवीन आरंभ करने के लिए आज का दिन उत्कृष्ट है। अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करें। आप बेचैन हो सकते हैं किंतु इसे हावी ना होने दें। एक स्थिर मत आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने में मदद करेगा। जब सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद कहती है कि एक बार और कोशिश करो। पारिवारिक सदस्यों के साथ हास परिहास तथा आपसे विचारों के आदान प्रदान में सुखद समय व्यतीत होगा। आपकी योग्यता व क्षमता लोगों के सामने आने से उनके दिल में आपके प्रति विशेष सम्मान रहेगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से आत्मिक शांति प्राप्त होगी। किसी व्यक्ति की आलोचना आपके विश्वास को कमजोर कर सकती है। व्यक्ति केवल अपने विचारों को आपके सामने रख रहा है और यही बात आपकी वास्तविकता नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें। काम से संबंधित अनेक अवसर प्राप्त होंगे। चुनाव करते समय दुविधा महसूस होगी। दिन के अंत तक निर्णय तक पहुंच पाएंगे। तीसरे व्यक्ति के बढ़ते हुए हस्तक्षेप की वजह से रिलेशनशिप टूट सकता है। खून की कमी से बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। सावधानियां, अचानक कुछ ऐसे खर्चे भी सामने आ सकते हैं कि जिन पर रोक लगाना मुश्किल हो जाएगा। वाहन या कोई भी मशीनरी संबंधित उपकरण बहुत ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करें। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय या अशुभ समाचार मिल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप अपने साथी की जुदाई के कारण तनहा महसूस करेंगे, जिससे आपको मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ समय अकेले में बिताएं और अपने साथी से जुड़ने के लिए नेटवर्किंग का प्रयोग करें। भय और डर छोड़कर आत्मविश्वास से काम लें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और एक नई शुरुआत करें। इससे आपकी चाहत को एक नया मोड़ मिलेगा और आपका संबंध गहरा होगा। रोमांस को बढ़ाने के लिए अपने साथी के लिए प्रेम संदेश भेजना भी बेहतरीन विचार है। अपने दिल के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। बात करते हैं करियर की। आज आप अपनी दिनचर्या और जीवन में परिवर्तन करना चाहेंगे। आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। आर्थिक लाभ के लिए धन व्यय या निवेश करते समय सावधानी बरतें। अभी आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपकी कंपनी का आनंद लेंगे। आज आपके नक्षत्र में एक भाग्यशाली सितारा है जिसके कारण आप जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नए तकनीकों पर ध्यान को केंद्रित करें और गलतियां करने से बचें। आज आप कुछ घबराया हुआ सा महसूस कर सकते हैं और अपने विरोधियों और समस्याओं को हल्के में लें। शिखर तक पहुंचने के लिए अपने विचारों को स्थिर रखें।
बात करते हैं सेहत की। खांसी जुकाम जैसे दिक्कत रह सकती है, आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। खून की कमी की बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।